कोटा थाने में नए थाना प्रभारी के पदभार ग्रहण करने के बाद अवैध महुआ शराब बिक्री करने वाले दो आरोपियों को 15 लीटर महुआ शराब के साथ गिरफ्तार किया है। कोटा थाना प्रभारी दिनेश चंद्रा को मुखबिर से सूचना मिली थी कि ग्राम पंचायत अमाली के झोंका पारा में रहने वाले निवासी लक्ष्मण यादव के खेत में अवैध रूप से भारी मात्रा में बिक्री के लिए हाथ भट्टी से महुआ शराब बनाया जा रहा है। मुखबिर की सूचना को गंभीरता से लेते हुए मौके पर टीम को भेजकर बताए हुए स्थान पर पहुंचकर महुआ लहन व 15 लीटर से भरी प्लास्टिक की जर्कीन में भरे शराब जब्त कर मौके से दो आरोपी लक्ष्मण ग्रुप उर्फ राजा यादव, पिता हरिदयाल यादव उम्र 27 वर्षीय अमाली निवासी व रमाकांत साहू पिता बद्री प्रसाद साहू 31 वर्षीय निवासी अमाली को घेराबंदी करके गिरफ्तार कर धारा 34/2 के तहत कार्रवाई कर न्यायिक रिमांड में भेजा गया है। आज हमें मुखबिर से सूचना मिली थी कि ग्राम अमाली में लक्ष्मण यादव और रमाकांत साहू दोनों व्यक्ति अपने खेत के पास में दारू बना रहे हैं। इस संबंध में तत्काल टीम भेज करके इस बात की तस्दीक की गई, हम आरोपियों की घेराबंदी करके पकड़ा गया है। उनके कब्जे से दारू बनाने के जो यंत्र हैं उसको महुआ पास के 15 लीटर महुआ शराब जब्त किया गया। अवैध शराब की बिक्री आज भी लगातार जारी है, अब नए थाना प्रभारी बन गया है, आगे क्या रहेगा? लगातार हमारी कोशिश रहेगी कि क्षेत्र में जितने भी अवैध महुआ शराब हैं या कोई भी मादक पदार्थ की बिक्री हो रही, सूचना मिलने पर या हमारी इनपुट के आधार पर लगातार कार्रवाई की जाएगी। समय न्यूज़ के लिए रतनपुर से रवि ठाकुर की रिपोर्ट।